अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? आ गया, उम्मीद करता हूँ आपका खैर खैरियत होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त गुलाम जिलानी और मैं आज आपको अपना बर्ड का एक सेटअप दिखाने आया हूँ। पहले मैंने आपको जितने भी क्या नाम है पिजन वगैरह की क्या नाम है कुछ चीज़ें दिखाई हैं, कुछ पिजन दिखाई हैं, वो मेरी छत पे हैं। और ये क्या नाम है मेरा ब्रीडिंग सीजन है, ब्रीडिंग सेटअप है, तो इसमें मैंने मुख्तलिफ बर्ड्स दिखाए हुए हैं, तो ये मैं आज आपको दिखाता हूँ। इनमें मैं आपको सबसे पहले फिंचेस दिखाता हूँ, जो फिंचेस ब्रीडिंग के तौर पर गई हैं, वो भी आप देखें, चेक करें। फ्रेंड्स, ये फिंचेस हैं रिसेंट साइज में, और ये मैंने सारे क्या नाम है एज अ शौक के तौर पर रखे हुए हैं, ये आप चेक करें। और इसके बाद एक ये है, इसमें ये एक चिक भी निकला हुआ है, छोटा सा आपको चिक नज़र आ रहा होगा, ये मैं आपको प्रॉपर करके दिखा देता हूँ। ये नीचे बैठा हुआ है, ये एक छोटा बच्चा है, बाकी ये बड़े हैं इनके। तो इनका सेटअप भी चल रहा है। उसके बाद मैं आपको अपने वाइट रिंग नेक दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये वाइट रिंग नेक का पेयर है, एक पेयर ये रखा हुआ है। और इसके बाद हम चलते हैं लबर्ड्स के, ये सिंगल सिंगल पीस अभी लगे हुए हैं, तो इनके मेल और एक ये एक्सपायर हो गया। इसके बाद आपको लबर्ड्स की प्रॉपर मैं म्यूटेशन दिखा देता हूँ। इसमें क्या नाम है, हमारे पास ये डिफरेंट म्यूटेशन हैं जो अगर हमने ब्रीडिंग के लिए लगाए हुए हैं, ठीक है। इसके साथ एक पीस बॉक्स के अंदर है, एक ये पेयर है, और एक पेयर ये है, और एक पेयर ये है, और इसके बाद इसके साथ आपको एक पेयर मैं दिखा देता हूँ, ये है हमारे पास, एक पेयर ये है, और इसके बाद एक पेयर ये है। इसको भी बॉक्स नहीं लगाया, बाकी को बॉक्स लगा दिए, और एक पेयर हमारे पास ये है। ये हमने सेपरेट सेपरेट केजेस में लगा के इनको प्रॉपर बॉक्स लगाए हुए हैं, ये ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए। इसके साथ मैंने एग्जीबिशन रखा हुआ है, ये एग्जीबिशन का एक पेयर ये है, इसके साथ एक पेयर ये है एग्जीबिशन का, और एक पेयर ये है। रेड आइज में फीमेल है और स्पेंगल में मेल है। इसके बाद मैं आपको ज़ेब्रा फ्रिंज दिखा देता हूँ। ज़ेब्रा बोलते हैं या स्ट्रॉबेरी फ्रिंज बोलते हैं, अब मुझे इनका ये ज़्यादा शौक के तौर पे रखी है, तो ये एक्यूरेट एक जगह पे कभी भी नहीं बैठेंगी, तो थोड़ी बहुत ही आपको नज़र आ पाएंगी। ये पेयर है, ये हमारा मोंग का पेयर है, ये मोंग का पेयर है हमारा, ये भी ब्रीडिंग के लिए लगा हुआ है, इनको बॉक्स भी लगा दिया, ये देखें बॉक्स लगा हुआ है इसका, और ये इनकी ब्रीडिंग कर देंगे। उसके बाद ये हमारा अफ्रीकन ग्रे का पेयर है, इनको अभी बॉक्स नहीं लगाया, ये भी बहुत अच्छा पेयर है हमारा। इसके बाद हमारी ये आ जाती है रोजी गोली, ये लोरी आ जाती है, और ये लोरी जो है ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और बहुत ही अच्छा बर्ड है ये, और बहुत ही खूबसूरत बर्ड है, ये आप चेक करें। और इसके साथ ही बर्ड हमारे पास आ जाता है ये रिंग नेक, ये भी असल में वाइल्ड होते हैं, ये तब ही ब्रीड करते हैं, तो ये भी दोनों फीमेल्स हैं,
तो अभी इनके लिए दोनों के लिए मेल लेके आना है फ्रेंड्स। अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं इंशाल्लाह जितने अच्छे से अच्छा बर्ड्स हुआ तो आपके साथ शेयर करूँगा फ्रेंड्स। ये हमारे एग्जीबिशन के कुछ पट्टे हैं, ठीक है, और इनमें एक बड़ी फीमेल है तो उसके साथ अभी अच्छा मेल नहीं है। जो भी मेल आता है तो उसके साथ कोई अच्छा मेल लगाया जाएगा। फ्रेंड्स इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआ में याद रखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके साथ साथ आपको बर्ड्स की सारी प्रोग्रेस के बारे में बताता रहूँगा और फर्दन जो जो चीज़ें नहीं होती रहेंगी बर्ड्स की लेंग के मुताबिक, इनको क्या क्या दिया जाता है, डाइट में क्या क्या दिया जाता है, इसके बारे में भी साथ साथ आपसे शेयर करता रहूँगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।